मैं बात करूँगा, अगर आपके पास SUV है और उसका टायर पंचर हो जाए तो आपको, वैसे ये मेरी गाड़ी है, इसका टायर पंचर नहीं है, बट फिर भी मैं आपके लिए एक वीडियो बना रहा हूँ। अगर आपका टायर पंचर हो जाए, काफ़ी लोग डरते हैं कि क्या करना है, नीचे से कुछ खोलने का ट्राई करते हैं, तो आपको कुछ भी नहीं करना, बस आपको करना क्या है, आइए देखते हैं। ओ यहाँ पे एक ढक्कन मिलेगा, इसके ऊपर लिखा है स्पेयर टायर। आपको एक कॉइन लेना है 2 रुपये का, पकड़ा, इसको अच्छे से खोलना है आपको प्रॉपरली, इसको आपको खोलना है, खुल गया। उसके बाद आपकी टूल किट में ये पाना होता है, पाना, पाना लेने के बाद आपको इसके अंदर लगाया और प्रॉपरली फिक्स किया। SUV का टायर आप देख सकते हैं जैसे कि नीचे है, तो आपको इसको रोटेट करना है। ये आपने टक की आवाज़ सुनी और आप देख सकते हो जैसे जैसे मैं इसको घुमाऊंगा टायर नीचे आता जाएगा। तो ये बहुत ही आसान तरीका है, आप देख सकते हो टायर गंदा ज़रूर हो गया है, तो आपको यहाँ से इसको प्रॉपर नीचे करना है। तो आप देख सकते हो टायर पूरा नीचे आ गया। तो बस इसके बाद आपको जब ये पूरा नीचे आ जाए, एक ये आपको रस्सी मिलती है यहाँ पे, आपको इसके अंदर से इसे खींच के बाहर निकालना है। यहाँ से जब ये बाहर आ जाएगा उसके बाद आप अपना टायर निकाल सकते हो और आप उसका जो फ्लैट टायर है वो चेंज करके वापस लगा सकते हो। और जब आपने इसको बंद करना है उसका भी सेम प्रोसेस है, वाइस वर्सा। तो अब इसको टाइट करने के लिए हम उल्टा घुमाएंगे। अब देख सकते हो टायर ऊपर जाना शुरू हो गया। ये एक बहुत ही आसान तरीका है गाड़ी का टायर सही करने का। तो अब ये पूरा ऊपर करके ही मैं आपसे मिलता हूँ। तो आप देख सकते हो ये ऑलमोस्ट पूरा ऊपर हो गया। जब ये एक बारी पूरा ऊपर हो जाए, आप इसको फुली टाइट करो और ये टक की आवाज़ आएगी जिससे आपको पता लग सकता है ये पूरा टाइट हो गया। और आप इसका कैप यहाँ पे लगा दो, और सॉरी ये लगानी प्रॉपरली, इसको कॉइन से ही लगाना पड़ेगा मुझे। तो अब आपको फिर से वही सेम प्रोसेस करना है जो आपने पहले किया था। तो ये बिल्कुल टाइट हो गया और आप अपना पाना फिर से इसके अंदर रख सकते हो। ये एक गाड़ी का जैक है, इससे हम जैक को इस्तेमाल करते हैं। ये आपकी टोइंग हुक है गाड़ी की। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो, प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई YouTube चैनल।